अल्लाह ताला को गवाह बनाते हुए तागूत पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारों पर नाचने वाली तंजीम टीआरएफ से एलानी बरात करते हैं। श्रीनगर से लापता हुआ एक युवा के आतंकवादी बनने की रिपोर्ट्स हैं। इरफान अहमद सोफी पुत्र नजीर अहमद सोफी निवासी नाटीपुरा श्रीनगर 14 दिसंबर से लापता है। आपको बता दें कि वह उसी दिन से लापता है जिस दिन नाटीपुरा में एक पीडीपी नेता पर हुए आतंकवादी हमले में एक पीएसओ शहीद हो गया था। इसी बीच गुरुवार शाम को कथित रूप से इरफान का एक ऑडियो मैसेज वायरल हुआ है जिसमें वह खुद के आतंकवादी बनने की बात कर रहा है। ऑडियो मैसेज में वे अपने परिवार से कह रहा है कि उसे तलाश करने की कोशिश न की जाए। बहुत पन्न गिन गुजारिश कर खास कर मालिस माजस बहुत गुजारिश कर कि तम कर मे झाड़न कोशिश कहें। अलहमदिल्ला खुदा सदि फजल त करम सोर मे मुजाहिदन सफल मज गोस बह शामिल शुक्र तमस खुदा कुन ये अल्लाह तला वा तुम चुनस। والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان قيد الشيطان كان ضعيفا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। मैं इरफान अहमद सोफी अलमारूफ अबू हंजला अलकश्मीरी साकिना नटीपुरा श्रीनगर का रहने वाला हूँ और मेरे तीन साथी अबू हमजा अली भाई अबू जरार अल्लाह ताला को गवाह बनाते हुए तागूत पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारों पर नाचने वाली तंजीम टीआरएफ से एलानी बरात करते हैं और दावत इस्लामी की विलायत हिंद से मुंसलिक होने का ऐलान करते हैं। और हमारा मकसद खालिस तौहीद की सरबुलंदी है। हमारा जहद किसी कौम वतन या इंसान के बनाए हुए दस्तूरों और आर्टिकलों के दफा के लिए नहीं है और न हमारा जहद किसी खिते या किसी दुनियावी अहदाफ तक महदूद है बल्कि हमारा जहद इस सबसे कहीं आला व अरफा है। यकीनन हमारा जहद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है और इसके लिए ही हम पूरी दुनिया के तवागीत से जंग कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह हर तरह के तागूत को ज़मीन बोस करेंगे इंशाअल्लाह, चाहे वो पाकिस्तानी तागूत हो या हिंदुस्तानी तागूत हो या कोई अरबी तागूत। हम अक़वामी मुत्तहदा से मिन्नतें नहीं करते और न ही आलमी बरादरी को खुश रखने के लिए इस्लाम की सौदाबाजी करते हैं। हम आलमी और अक़वामी मुत्तहदा के कवानीन को जूते की नोक पर रखते हैं और न ही हम अपने जहद में किसी मलामत करने वाले की मलामत से डरते हैं। तहकीक हम इस बात को वाजह करना चाहते हैं कि हमारा जहद किसी तागूती हुकूमत या मर्तद एजेंसी के इशारे पर नहीं चलता है बल्कि हमारा जहद तो उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाली आलमी जहद का एक हिस्सा है कि जो खलीफत मुस्लिमीन और दीगर अमरा की रहनुमाई में अपनी कामयाबी के मराहिल तय कर रहा है। हमारी दावत अंबिया व रसूलों की दावत है कि जो आसमानों से आई है।